अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने YouTube चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2017 का CDP देखेंगे। इस वीडियो में सारे सवाल CDP से होके और ये 2017 का पेपर होगा, सभी से एग्जा किए हुए सवाल हैं ये CDP के। CDP पूछा जा रहा है ऐसा एग्ज़ाम्स में, तो इसके लिए ये वीडियो है TAI TET के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। पहला क्वेश्चन यहाँ ये है, अफजाइश एक ऐसा रवैया है जो दिगर डैडाइश की वजह से जन्म लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सहूलियत यानी शोर। एक उस्ताद को क्लास में शक्लों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, शक्लों का इस्तेमाल करना आना चाहिए एक उस्ताद को, तो इसका राइट आंसर होगा जब ज़रूरत हो, ज़रूरी हो और मवाद हो तब इसे शक्लों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कौन सा रियाजी का तालीम का तरीक़ा नहीं है, तो रोड लर्निंग ये भी नहीं है, मास्टर भी नहीं है, इसके अलावा है तफरी तरीक़ा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज होगा इसका राइट आंसर। तालीम की सरगर्मियों की अहमियत है, तो क्या अहमियत है, उस्ताद क्लासरूम के अंदर और बाहर से तमाम मतलूबा हिदायत हासिल करता है। दूसरा ये है कि उस्ताद तदरीस के अमल के साथ सीखने को एकजा करता है, ये भी राइट है। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है, उस्ताद याददाश्त की सतह से अक्कासी की सतह तक अमल को मौसूर बनाता है, ये भी राइट है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी सभी के सभी। दीवा है, बेचैनी के हमलों में किसकी अलामत जाहिर होती हैं, एक अटैक के बारे में बताना है, तो यहाँ पे है महसूस होता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज। दूसरा यहाँ पे पसीना आना ये भी सही है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेना ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। पे दिमागी उम्र और तारीख़वार उम्र के माबैन ताल्लुक के तनासुब के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी रिलेशन है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज के ताल्लुक से क्वेश्चंस है, तो इसमें का राइट आंसर होगा इंटेलिजेंस हासिल जहानत हासिल किस्मत बोलेंगे इसे, बुद्धिमाता भाग फल। दूसरा यहाँ है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नफ्सियाती बीमारी कौन सी है, ये बताना है हिंदुस्तान में पाई जाने वाली नफ्सियाती बीमारी सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा तनाव यानी डिप्रेशन, असाबी डिप्रेशन बोलेंगे इसे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आस्क यानी तारुफी सवालात पूछे जाते हैं, किसमें सबक के आगाज़ में पूछे जाते हैं तारुफी क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर ए होगा। रहने वाले, अगर फ्लैट में रहने वाले अफराद इसकी बिजली इख्तेमात में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आप क्या फ़ैसला करेंगे और इस मामले को किस तरह से हल करने के लिए कार्रवाई करेंगे, ये बताना है। अराकीन की फौरी इज्तिमाई मुलाकात करेंगे यानी कोई मीटिंग रखेंगे कलेक्टिव मीटिंग, और इनके हिमायत को बढ़ाने के लिए इज्तिमाई तौर पर दरख्वास्त करेंगे, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। किसी मखसूस चीज़ या हालात का एक मुस्तकिल और ताकतवर खौफ जो दर हकीकत बहुत थोड़ा या बिल्कुल भी ख़तरा नहीं रखता इसे कहा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुआ है फोबिया के ताल्लुक से, तो इसका राइट आंसर फोबिया ही। माँ बच्चे की पहली क्या होती है, डैडेश, तो माँ उस्ताद होती है, शिक्षक होती हैं, टीचर होती है। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे एडोलसेंट में एहसास हो सकता है, किस बात का एहसास होता है, तो तसव्वुर पज़ीरी का एहसास होता है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। नफ्सियाती अलामत को वसी तौर पर डैडेश अकसाम में तकसीम किया गया है, तो इसे चार अकसाम में तकसीम किया गया है। एक तय किरदा
ज़ात के तालिबे इल्म को आपकी क्लास में दाखिल किया जाता है, यानी अलग बैकग्राउंड से इसका, अलग ज़ात से इसका ताल्लुक़ है और आपकी क्लास में वो आ रहा है, तो अगर इसके साथ दूसरे बच्चे अछूत लोग करते हैं यानी और उससे अलग थलग रहते हैं, तो आप उसे किस तरह से अपने क्लास में एडजस्ट करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है। आंसर ये होगा कि आप उसके पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे, और जो बच्चे उस बच्चे के ताल्लुक उस बच्चे के लिए अलग तरह का सलूक कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे दिया हुआ है आम तौर पर बलूगियत को तकसीम किया जाता है, तो तीन एडॉल्सन को तीन मराहिल में डिवाइड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर थ्री हो। बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप किसने किया है ये बताना है कि बिहार टेस्ट इंटेलिजेंस को डेवलप करने वाले हैं MS मोहसिन ने इसे किया है। आपको मामूल के हालात में अच्छा हाथ है तो ये फ़र्ज़ किया जाता है कि आपकी तख्ते सिया की लिखाई होनी चाहिए, गुड औसत पर या कहा नहीं जा सकता, तो इसका राइट आंसर टी ही होगा, कहा नहीं जाता। 25 से 39 के माबैन जहानते हासिले खिस्मत यानी IQ लेवल की बात की जा रही है, यानी IQ लेवल की को क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा संगीन। जब उस्ताद दिलचस्पी रखता है तो उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा कुछ मुश्किल टॉपिक की ड्राइंग की वजाहत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट मुश्किल बुनियादी मजामीन की वजाहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी राइट हो। स्क्रीन पर छोटी चीज़ों को बड़ा कर दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मस्कुरा बाला तमाम। इसके बाद देवा है कि डैडेश के मुताबिक क्लास में अशकाल का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी डायग्राम का इस्तेमाल किसके मुताबिक करना चाहिए क्लास में, तो तालिबे इल्मों की दिमाग की सतह के मुताबिक करना चाहिए, राइट। तालिबे इल्मों की जहनी सलाहियत के मुताबिक करना चाहिए, ये भी राइट। और तालिबे इल्मों की दिलचस्पी के लिहाज से डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा ठीक है सभी। अब यहाँ जॉन गुडमैन मुताला कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान उम्र दराज होता जाता है जहन में बदलाव आता है, ज़्यादा इम्कान ये है कि वो एक डेडेश माहिर नफ्सियात है, तो जॉन गुडमैन कौन है। जॉन गुडमैन का कहना है कि इंसान जैसे जैसे इंसान की उम्र दराज होती है वैसे वैसे जहन में तब्दीलियाँ आती हैं, तो ये कौन है ये बताना है यहाँ पे, जॉन गुडमैन कौन है, तो वो है क्या है, एक वो है डेवलपमेंटल है प्रोजेक्टर में एक उस्ताद का किरदार है, द रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्टर, तो इसका राइट आंसर हो दोस्त की तरह, ये भी राइट है, एक रहनुमा की तरह ये भी राइट होगा, एक शरीके कारकुन की तरह तो ये भी राइट हो, कोवर्कर की तरह ये भी राइट होगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। उर्दू और पंजाब में इस स्टैनफोर्ड बिन्ने का टेस्ट बताना है कौन सा है उर्दू और पंजाब में, तो इसका राइट आंसर होगा CH रईस, इसका राइट आंसर है CH रईस। इसके साइको का तजुर्बा किससे मुतारुफ़ कराया है, किसने इंट्रोड्यूस कराया है ये बताना है साइको एनालिसिस, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राइट ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसके बाद देखते हैं यह से पता चलता है कि उस्ताद के माबैन असाबी अदम इस्ते कहाँ की अक्सर अलामतें हैं, कौन सी अलामतें हैं ये बताना है, तो स्ट्रेस इसका राइट आंसर होगा तनाव होती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई जाती हैं, राइट आंसर ये है किस लिए बनाई जाती हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में, तो वो है एक बुनियादी वाक़े या मुतालिका रुझान के बारे में इल्म, तो इसलिए बनाई जाती हैं। शख्सियत के मुख्तलिफ़ अज़ा को दुरुस्त करने के अमल को क्या कहेंगे,
तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्राद्यत। 16 साल एक बच्चा आईक्यू टेस्ट में 75 स्कोर करता है तो इसकी दिमागी उम्र क्या होगी। तो ये एक फार्मूला होता है, इसके तहत बताना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 8। इसके बाद अखीर रियाजी जहानत यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो इसका राइट आंसर होगा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अहलियत, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अहलियत इसका राइट आंसर है। एक बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है लेकिन जहानत के वो आला सतह से हैं, इसकी तकलीफ़ क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर खुद फिक्री तीव की बीमारी होगी। ये अगर एक अनपढ़ खातून बैंक काउंटर पर विड्रो के फॉर्म को भरने के लिए आपसे दरख्वास्त करती हैं तो इस हालत में आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि आप इंसानियत के लिए काम करना चाहती हैं इसलिए आप इससे इसकी मदद करेंगे और इसका फॉर्म भरकर दे देवा है। यहाँ पे फोबिया आर एसोसिएटेड क्लोजली विद, यानी फोबिया का ताल्लुक किससे है, करीबी ताल्लुक किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा कराहत बेजारी है। आपने नौकरानी मुलाजिमा रखी है जो अनपढ़ है, जब वो काम पर नहीं आ सकती उजरत से कटौती करती हैं, वो अपने अकाउंट के तफसीलात पूछती हैं, इस सूरत में आप उससे क्या कहेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा आप उसे दयानतदारी से हिसाबात बताएं, तालीम देने के लिए तमाम कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए असाइनमेंट। द मीटिंग ऑफ होम असाइनमेंट, घर के काम का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा तलबा की तरफ से घर में क्लास जीतने की तफसीली रुकावट तैयार करने के लिए। तो इसका मंदरजा ज़ैल में कौन सा मुमकिन तौर पर गैर मौसूर उस्ताद की खसूसियात का हामिल है। तो इसका राइट फौरी तौर पर सूरत हाल के कंट्रोल पर जोर। अगर कोई टीचर अपने तलबा के साथ दोस्ताना मरासीम रखती हैं तो वो डेडेज टीचर है, तो वो एक कामयाब टीचर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे डेडेज के ज़रिए यानी ल्यू फेस्टिंगर के ज़रिए जो तसव्वुर दिया गया है, कंसेप्ट दिया गया है, उसे क्या कहते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट दिया गया था, विजदानी नामौसूमियत का कंसेप्ट दिया है विजदानी, तो लियो फिस्टिंगर इसने दिया था। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे द टू प्रोजेक्टिव टेक्निक आर, प्रोजेक्ट की दो टेक्निक कौन सी है। तो एक है टी ए टी एंड टी आई टी, ये दो प्रोजेक्ट की टेक्निक हैं। तालीमी नफ्सियात को लाजमी तौर पर उस्ताद फ्राहम करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। मौसूर तदरीस के लिए इनेखात के लिए उसूल तसव्वुरात और रवैये, इसका राइट आंसर होगा मौसूर तदरीस के इनेखात के लिए उसूल तसव्वुरात और रवैये। इस कम्युनिकेशन बैरियर के ताल्लुक से हैं, इसे किस तरह दूर किया जाता है। तो समाकामे के अंदर अच्छे सुनने वाले की तमाम मतलूबा सलाहियतें हो, राइट ये भी है। सामे तरगीबी हालात में हो, ये भी राइट है। सामे के अंदर इजाफी महरिकात हो यानी लिसनर के अंदर इजाफी महरिकात हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। इसके बाद देवा है तालीमी नफ्सियात को लाजमी तौर पर उस्ताद प्राइम करना चाहिए, यह हो गया है यहाँ पर। इसके अगर आप स्कूल के सरबरा हैं तो फैसला हकीकी बुनियाद पर किया जाएगा, तो आप क्या फ़ैसला करेंगे। तो आप क्या है, आप कमेटी के मंजूर के मुताबिक जुर्म की संजीदगी को परखेंगे, इसका राइट आंसर हो। तदरीसी मॉडल का अंसर है यानी एक एलिमेंट है, टीचिंग मॉडल एक एलिमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा मुताबिकत,
ये भी राइट है, फोकस ये भी राइट है, और सामाजिक निज़ाम ये भी, सोशल सिस्टम ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। जब जांच का मकसद तबकात का मुआजना हो तो फिर डैश इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई कंपेयर कर रहे क्लासेस से तो इसे क्या कहेंगे, उसका एम क्या होगा उस टेस्ट का, तो उस टेस्ट का एम होगा, कंपेयर की जब बात आती है तो वहाँ पे होगा जहानत टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद दिएवा है विजदानी नामौजूनियत का तसव्वुर किसके ज़रिए दिया गया है, तो लियो फिस्टिंगर के ज़रिए दिया गया है, इससे पहले भी क्वेश्चन ये गुजरा है। इसके बाद जब आप एक नुमाइश मुनाकिद कर रहे हैं तो मरकज़ी ख्याल जो जहन में रखना चाहिए वो है, यानी आप एग्जीबिशन रख रहे हैं तो आपका जो बुनियादी ख्याल माइंड में क्या रखना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ये तलबा के लिए मददगार बनना चाहिए, यानी जो भी एग्जीबिशन ले रहे हैं आप, जो नुमाइश मुनाकिद कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि तलबा के लिए वो मददगार हो। म्यारी 10 पॉइंट पैमाने यानी 10 पॉइंट स्केल इशारे किरदा म्यारी स्कोर के तौर पर ख़त्म किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंड स्कोर बोलेंगे इसे। तो इसके बाद दिया है अगर एक करीब तालिबे इल्म वक्त पर अपनी माहाना फीस जमा नहीं कर सके तो आप इस हालात में क्या करेंगे, आप इस हालात में क्या करेंगे, तो आप उसकी क्या है जमा फीस जमा कर देंगे और इसे क्लास में शामिल होने का मौका देंगे, तो इसका राइट आंसर भी होगा कुछ नफ्सियाती रद्दअमल जिनकी खासियत हैं कि वो दाखिली शख्सियत के कामकाज को बदल काज को बंद कर देते हैं, हकीकत से दूर कर देते हैं, जज्बात का बेसाख्ता इजहार करते हैं और इफ़कार और रवैये में तहरीफ व इस्तेराब का सबब बनते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है शेजो फ्रेम कहेंगे इसे, तो इसका राइट आंसर यही होगा। इसके बाद दिए प्याजे का उसूल बच्चे के ताल्लुक से किस चीज़ का इंकशाफ करता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर होगा जहानत के टेस्ट जहानत की पैमाइश करते हैं बजरिए इंटेलिजेंस टेस्ट मेज़र इंटेलिजेंस बाय, तो इसका राइट आंसर होगा डी का मुशाहिदा किसी के असाबी ढांचे की पेचीदगी का मुशाहिदा करना, तो इसका राइट आंसर होगा मुमकिना डैडेश मुमकिना तौर पर तदरीसी पेशे के दिमागी सेहत के लिए सबसे नुकसानदा अंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा एक रंग की, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे एक बच्चा बैक बेंचर है, एक बच्चा पिछली निशिस्त पर बैठा है यानी बैक बेंच बोर्ड को वाजे तौर पर देखने से खासिर है, मतलब वो वाजे तौर पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देख सकता है, लिहाजा वो बार बार खड़ा होता है देखता है और क्या है बैठता है, इससे इस आसपास की क्लास के साथियों को परेशानी होती है। तालिबे इल्म की दुश्वारी के हवाले से आप यानी क्या नतीजा निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे की नज़र ख़राब है, इसका राइट आंसर ये होगा बच्चे की नज़र ख़राब है। अगर आपका साथी ब्लू फिल्मों में दिलचस्पी रखता है और आपको अपने घर के साथ साथ अपने आलात जैसे VCR TV सेट उधार देने के लिए कायल करता है, तो आप इस अजीब वगरीब सिचुएशन में क्या कैसे बच सकेंगे इस हालात से, तो इसका राइट आंसर होगा ए आप उसे कायल करेंगे कि इस मामले में आप इसकी मदद नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। अगर आपके स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का बहुत बड़ा मसला है जिससे स्कूल के मामूल में रुकावट आती है, इसी तरह की बदनज़मी से निपटने के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा बी
कि आप प्रिंसिपल की इजाज़त से एक ज़ाब्ता कमेंगे और सख्ती के साथ इसके खवानीन को लागू करेंगे। अगर आप कार से बाकायदगी के साथ स्कूल आते हैं, यानी कार से आप स्कूल आ रहे हैं रोज़ाना, तो स्कूल के प्रिंसिपल के ज़रिए आपसे किसी स्कूल के मेहमान की देखभाल करने के लिए कहने पर आप अपना फ़ैसला कैसे करेंगे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आप क्या करेंगे इसके लिए। आप इस पेशकश को कबूल कर लेंगे और स्कूल के मेहमान की जो है तो मदद करेंगे। तालीमी नफ्सियात में शामिल होता है क्या? शामिल होता है जज्बात, समाजी और इदराकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ, एजुकेशन साइकोलॉजी इंक्लूड। तो ये जज्बात, जज्बाती, समाजी और इदराकी, ये तीनों तरह की होती हैं। एक बच्चा जिसने दुनिया से मुतालिक बतौर ख़तरनाक जगह का तजुर्बा किया है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका बचपन का सदमा भी हो सकता है, घरेलू तशद्दुद भी हो सकता है और गुंडागर्दी भी होगा। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑल ऑफ द अबाव। एक उस्ताद कैसे गजाइत की कमी वाले बच्चे का अंदाज़ा कर सकता है, यानी किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इस बच्चे की गजाइत में कमी है? एनर्जी की सतह की कमी, खुश्क स्किन से पता लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। मुख्तलिफ अलामत का मजमुआ और तामुल एक शख्सियत की तामीर करती है जो हर एक में जो है तो अलग होती हैं सिवाय एक के। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे दर्जे का। इन में कौन तालीम देने की आबादी मदद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मॉडल। इब्तदाई बलुगियत की उम्र की औसत कौन सी है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा 20 से 40 साल तक। ईद के बारे में कहा गया है फितरी हयातीती क़ुव्वतें जो शनाख्त को क़ुव्वते मुबहम पहुंचाती हैं इन्हें कहा जाता है। तो ईद के बारे में कहा गया है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कहा जाता है लिबिडो। दूसरों को अपनी अपनी अलामत के रवैये या जहनी अमल से मंसूब करने का अमल डैडेश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद दिया है यहाँ पे जुनून दूरी वाले अफर्द के एहसासात में दर्ज ज़ैल सभी पाए जाते हैं सिवाय एक के। तो मिजाज बदलता रहता है, इजाफी प्लानिंग होती है, पैसा खर्च करना। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, क्या होता है? मिजाज बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा अगर फ़र्ज़ करें कि बच्चे में समात की खराबी है लेकिन आपको इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, इस बच्चे की तरफ से आप क्या फ़र्ज़ करेंगे? मतलब आप बच्चे में सुनने की खराबी है लेकिन ये बात अपने मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे की शनाख्त करेंगे और इसके मुताबिक इंतज़ाम करेंगे, यानी अपने ख़ुद को शनाख्त करना होगा और उसके मुताबिक इंतज़ाम भी करना होगा। इसका राइट आंसर होगा एक तालिबे इल्म आम तौर पर आम हालात के तहत जारहाना हो जाता है तो आप उसे जज्बाती कंट्रोल की तरबियत कैसे देंगे? तो इसका राइट आंसर है मुख्तलिफ साइंसी मुशाहिदों के ज़रिए उनके रवैये की आप निगरानी करेंगे। अगर तदरीसी मवाद ज़्यादा मौसूर है और सबक की मनसूबाबंदी के साथ इसे मौसूर तरीक़े से मुंतकिल किया जाता है तो इस का नतीजा है क्या है? क्लास में एक उस्ताद की तब्दीली क्यों करेंगे भाई? आप तदरीस भी अच्छे से हो रही, मंसूबे के तहत हो रही, तो तब्दील करने का तो ज़रूरत नहीं है। क्लास से तालिबे इल्मों को बाहर निकालना ये भी नहीं होगा। क्लास में किस तरह से हम बाहर निकाल सकते ये भी नहीं होगा। इम्तिहान हाल से मुमतहिन को निकाल दें, यानी एग्ज़ामिनर को ही निकाल दें, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज।
तालिबे इल्म की समाजी रवैये में तब्दीली की जा सकती है। किसके ज़रिए तब्दीली की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा, स्कूल में समाजी और सकाफती प्रोग्राम लेकर हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं। जब कोई मरीज़ सनसनाहट, जलन या ये के जिस्म पर कपड़े जल रहे हैं ऐसा महसूस करता है तो क्या ख्याल किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, महसूस किया जाने वाला वहम। माशराती अमल के आगाज़ का मरहला कौन सा है? सोशलाइजेशन का प्रोसेस कौन सा है, का पहला मरहला कौन सा है? तो ये है शेरखोरी ही होगा, यानी इन्फेंसी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। खुदा हाफिज़।